मुंबई के नजदीक मीरा रोड में एक पत्रकार की हत्या और दो पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि दोनों वारदातें अलग अलग हैं, लेकिन पुलिस मानकर चल रही है कि दोनों का कहीं ना कहीं संबंध है। मीरा रोड के स्थानीय पत्रकार राघवेंद्र दुबे सुबह 4:45 बजे के करीब मीरा रोड पुलिस स्टेशन से निकले। कुछ देर बाद खबर आई कि राघवेंद्र पर कातिलाना हमला हुआ है। पत्रकार राघवेंद्र दुबे 5 बजे के करीब यहां मीरा रोड में सड़क पर पड़े हुए मिले, अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। पता चला है कि 4:45 बजे के करीब वो मीरा रोड पुलिस स्टेशन में थे, पुलिस वालों से बात की, बार वालों से बात हुई और फिर वो बाहर निकले। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। राघवेंद्र की हत्या जहां हुई वो जगह व्हाइट हाउस बार से कुछ दूरी पर है, जहां रात में पुलिस ने छापा मारा था। मीरा भाईंदर रोड पर यही वो व्हाइट हाउस बार है जहां पर रात के 1 बजे के करीब पुलिस ने छापा मारा था, जिसको कवर करने के लिए 3 स्थानीय पत्रकार अनिल नौटियाल, संतोष मिश्रा और शशि शर्मा यहां पर आए थे। तभी बार वालों ने पत्रकारों पर हमला कर दिया। एक पत्रकार भाग निकला, लेकिन मुंबई हेडलाइंस के संपादक संतोष मिश्रा और दबंग खबरें के संपादक शशि शर्मा को बार वालों ने बुरी तरह पीटा और मोबाइल भी छीन लिया। 8 लोगों ने मुझे काफी बुरी तरह से मारा, करीब 35 से 40 लोगों ने मारा। मैं यही अपील करता हूँ पुलिस से, पुलिस अपनी कार्रवाई करे एंड ब्रिंग दी एक्यूज्ड टू जस्टिस। इंडिका गाड़ी भर के दोनों साइड से मुझे पैक किया और मुझे बुरी तरह मारा उन्होंने। पीछे से एक भारी चीज थी उससे मुझे सर पे मारा, मैं वहीं फ्लैट हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरा जो कैश था, कैश, घड़ी, मेरे मोबाइल तोड़ दिया, एक तो एक मोबाइल लेके भाग गए। दोनों वारदातें अलग अलग समय और जगह पर हुई है, लेकिन पुलिस भी मानकर चल रही है कि दोनों के तार व्हाइट हाउस बियर बार से ही जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि बार वालों ने जिन पत्रकारों पर हमला किया था राघवेंद्र दुबे उनके साथी थे और दोनों की तलाश के लिए खुद पुलिस के ही एक अफसर ने राघवेंद्र को फोन किया था, जिसके बाद राघवेंद्र पुलिस थाने पहुंचे और सुबह 4:45 बजे के करीब पुलिस स्टेशन से निकले, तब उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए मामले में एक ही FIR दर्ज की गई है और जांच चल रही है। अभी इसमें इस घटना में कैसे इसके तह तक जाकर के सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इसके तह तक जाकर के कोई आरोपी बच ना पाए, ये हमारी प्राथमिकता है। अभी FIR दर्ज करने का प्रोसेस शुरू है, जब सारा दर्ज हो जाएगा तो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। मुंबई और महाराष्ट्र जहां डांस बार पर पाबंदी है, वहां ऑर्केस्ट्रा के नाम पर चोरी छिपे डांस बार चलते हैं। मीरा रोड और भाईंदर के बार इसके लिए जाने जाते हैं, इसलिए पुलिस वाले भी सवालों के घेरे में हैं और कुछ स्थानीय पत्रकार भी। घायल पत्रकारों ने भी आरोप लगाया है कि हमले के समय पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। इस बार के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़े पुराने एक गैंगस्टर की पत्नी से जुड़ा है और इसे चलाने का काम गणेश कामत नाम के शख्स के पास है। दोनों में कोई विवाद है। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या पीड़ित पत्रकारों का भी उस विवाद से कोई नाता तो नहीं, जिसकी वजह से बार वालों ने हत्या तक को अंजाम दे दिया। मीरा रोड से राजा मयाल और दिनेश महिमाने के साथ सुनील सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।